तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा फोकस्ड और डिसिप्लिन वाला होने वाला है। कोई मस्ती मजाक नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ब्लॉग आज का मैं बना रहा हूँ अपने गुरुजी के साथ, आदेश भैया के साथ। तो इनके साथ यार मस्ती मजाक करने का तो सवाल ही नहीं होता, बट डिसिप्लिन है। तो जो ब्लॉग होगा वो फुल फोकस और फुल डिसिप्लिन होगा। और आज मैं भैया के साथ करने वाला हूँ चेस्ट का वर्कआउट। चेस्ट की कुछ एडवांस एक्सरसाइजेज हैं जो भैया मुझे बताएंगे। अपर चेस्ट मेरा थोड़ा सा वीक है, तो आज की मैं एक्सरसाइज करूँगा भैया के साथ। और जाके मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको आदेश भैया से, जो मेरे गुरुजी हैं। तो मिलते हैं अंदर जिम के अंदर। चलो मैं मिला देता हूँ आपको अपने गुरुजी से, आदेश भैया। इन्हें फिटनेस इंडस्ट्री में 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने भैया से पूछा कि, मैंने कहा भैया कि आप किसी टाइटल के लिए या किसी और चीज़ के लिए जो चैंपियनशिप होती है क्यों नहीं जाते हैं? तो भैया का एक ही जवाब था मुझे, जो मुझे बहुत पसंद आया। कहते हैं कि बेटा खाली फिटनेस से और बॉडी से घर नहीं चलता है, तो साथ में काम धंधा भी ज़रूरी होता है। लोगों के काम होते हैं, हालांकि बहुत सारे जिम ओपन है, लोग करते हैं, बट फिटनेस के साथ साथ आपको अपना काम धंधा भी ज़रूरी है। तो भैया के बहुत सारे काम हैं, बिजनेस है और अपना खेती बाड़ी भी है। मेन चीज़ तो हमारे रूट, मेरे पिताजी भी फार्मर थे, तो हमारा मेन जो जड़ है वो खेती से है। तो भैया की खेती है, काम है एक दो, तो वही चीज़ भैया बता रहे थे कि फिटनेस रखो अपने शरीर को सही रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। और बॉडी बिल्डिंग 25 साल से भैया कर रहे हैं, कहते हैं कि मेरा शौक है। तो वही 25 साल का जो एक्सपीरियंस है आज भैया मेरे साथ थोड़ा बहुत उसमें साझा करेंगे। तो भैया कौन सी एक्सरसाइज बताओगे आज? चेस्ट की करेंगे और एकदम डेडिकेशन के साथ में, एडवांस लेवल। तो निचोड़ देना जो आपके 25 साल का एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा सा उसमें से कुछ दे देना। बिल्कुल, कोई बात नहीं, एकदम चलो आज करते हैं एक्सरसाइज। और भाई मैंने बोला था ना, मस्ती मजाक नहीं है, डिसिप्लिन के साथ। ठीक है पक्के भाई। तो भाई एक्सरसाइज हो गई है स्टार्ट। अभी स्टार्टिंग में हम क्या पुशअप एंड बटरफ्लाई का सुपर सेट लगाएंगे, तो एक तरीके से वार्म अप भी हो जाएगा। कितने का? 4 सेट लेंगे हम इसके, 25 25 25 25 25 के 4 सेट लेंगे दोनों कॉम्बिनेशन में सुपर सेट। चलो करते हैं स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. I'm coming up and send you to your mama. It's the whip, not the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. सुपर सेट हो गया। अभी एक सुपर सेट है बेंच प्रेस का, एक तो नॉर्मल बेंच प्रेस है वो, उसके 3 सेट होंगे और कॉम्बिनेशन में बेंच प्रेस रिवर्स ग्रिप में करेंगे। तो ये दोनों किस चीज़ के लिए? ये अच्छा, बेंच प्रेस मिडल चेस्ट के लिए हो गया, और जो ये रिवर्स बेंच प्रेस है वो अपर चेस्ट के लिए हो गया। चलो करते Windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. I'm coming up and send you to your mama. It's the whip, not the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. एक गधे वाली मेहनत होती है, एक घोड़े वाली मेहनत होती है। यह मैं 60 किलो बहुत इजीली उठा लेता था, अगर तरीके से उठाओ मसल पे इफेक्ट करता है, ये उसका एक एग्जांपल है। सो गाइस दिमाग में रखो, गधे और घोड़े की मेहनत में फर्क होता है। और एक तरीके से डबल प्रेस, एक बेंच प्लेट है सेंटर में डबल आए, हॉरिजॉन्टल वे में, और नाउ डबल पुश।
Bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. भैया ने एक्सप्लेन किया है मुझे, मैं समझा देता हूँ। मेरी लाइन नहीं है भैया की लाइन है। एंगल ऐसे रखना है केबल का, तो ये आपकी जो लाइन है साइड से वीक है, ये पूरा स्पोर्ट कर रहा है। इस मसल को पूरा शेप देने के लिए ये वाली है। साथ में सुपर सेट करेंगे इसका, ये एंगल चेंज करना है। सेंटर में आ रहा है और थोड़ा बहुत इंक्लाइन पे भी आ रहा है, और मोस्टली सेंटर में भी है। तो ये सब आपका एंगल का खेल है कि आपको कौन से मसल में ज़्यादा फिट करना है। तो एक ये वाला एंगल है, तो एक ये वाला एंगल है, तो डिक्लाइन के लिए एक सेंटर लाइन के लिए, ठीक है। तो इसका हम सुपर सेट करेंगे, देखते हैं होते नहीं होते वैसे। चलो करते हैं। Black windows when you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Angle ये हो गया, ये exact आपके lower chest के almost करीब पहुंचा चाहिए। Windows when you go down, you must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows when you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, ऑलमोस्ट के सारी ख़त्म ही हो गई है आज की एक्सरसाइज। और जिनमें से तीन एक्सरसाइज तो ऐसी थी मैंने लाइफ में कभी करी भी नहीं थी, और ये भैया के 25 साल की मेहनत या खजाने में से तीन एक्सरसाइज भैया ने निकाल के दिए हैं, जिसके लिए लोग ना मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देते हैं, फालतू बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बताते। तो भैया ने उनमें से 7 एक्सरसाइज निकाली और 3 तो बिल्कुल नई एक्सरसाइज थी, जो करते हुए भी मेरी हालत ख़राब हो रही थी पर एग्जैक्ट मसल पे आ रहा था। तो जितनी भी चीज़ें जितनी भी एक्सरसाइज के बारे में मैंने इस ब्लॉग में बोला है, A to Z सब भैया की लाइंस हैं। इन्होंने
वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मुझे समझाया कि ये चीज़ है तो आपको ये बोलना है, तो मेरी एक भी लाइन नहीं है। कभी लोग सोचें कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ना, ज्ञान भैया का है, शब्द मेरे हैं। और थैंक यू सो मच भैया अपना कीमती वक्त देने के लिए मुझे। और अभी ये पहला बॉडी पार्ट आपने करवाया चेस्ट मुझे, तो हमारी कोशिश है, देखो रोज़ भैया को भी टाइम नहीं मिलता, तो हर हफ्ते एक एक बॉडी पार्ट करेंगे। और वही भैया अपने पिटारे में से कुछ मेन एक्सरसाइज निकालेंगे और हमें बताते रहेंगे, और हमारा भला होता जाएगा और आप लोगों का भी। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू, टाटा।